और देखती हैं वीडियो, कंटिन्यू देखिएगा। मॉर्निंग, तो अभी बज गए हैं सुबह के 7:30 और देख सकते हैं काफ़ी 2 से 3 दिनों के बाद आज हल्की सी धूप निकली है और बच्चों की भी छुट्टी हो गई है स्कूल में, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इसलिए बच्चों की छुट्टी हो गई है। और अभी बाउंड्री का काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो हो ही रहा है। तो रैम्बो भी बहुत ज़्यादा बदमाशी करता रहता है और यहाँ भी देख सकते हैं हमारे बगल में जो घर बन रहा था वो भी कितना ज़्यादा फटाफट से काम लोग अपना अपना करवा रहे हैं। तो बच्चों की छुट्टी है, वैसा कोई आज जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है और बस अभी थोड़ी देर में मिस्त्री भी आ जाएंगे, काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी अपना घर का काम जो है वो कर लेती हूँ। धूप भी उतनी खिली खिली सी नहीं है, हल्की सी धूप है। तो इसी बीच मैं सोच रही हूँ कि पहले जो घर का काम है वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता भी बनाना है, नाश्ता बना लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि अभी ऋषु और अनुष्का जो है वो उठे नहीं है, उनको भी उठाना है, ब्रश करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जाती हूँ। तो व्लॉग में इसी तरह कंटिन्यू रहिएगा आप और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तो बिल्कुल भी स्किप किए बिना वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और प्यारे प्यारे से अपने कमेंट्स कीजिएगा। तो व्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो अभी जा रही हूँ फटाफट से काम करने। तो ये है हमारा बड़ा वाला गेट है, तो इसी तरह हम लोग टेम्प्रोरी लगवा रहे हैं, फिर ये इसका भी लाइफ लॉन्ग ज़्यादा है, करीब अच्छे से पेंट वेंट करने के बाद ये भी चलता है, 10-15 साल चल ही जाएगा। तो अभी बजट थोड़ा सा गड़बड़ा गया था इसलिए ये हम लोग टेम्प्रोरी गेट लगवा रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा गेट लगवा रहे हैं, ये बड़ा गेट है। तो रैम्बो चलो आ जाओ, रैम्बो आओ, यहाँ पे ये जो कॉलम का जो गड्ढा है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर छोटा वाला गेट है जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे या बाहर जाएंगे, ये छोटा वाला गेट है, इसको भी पेंट वेंट कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे सामान देख सकते हैं सब है, तो रैम्बो को छत पे जाना है। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह का टाइम है और कैसा मेरा फेस लग रहा है ना, एकदम सिंपल साधारण, सुबह सुबह कोई मेकअप थोड़ी ना करता है। और मैं टोपी और ये जैकेट ना मेरे हस्बैंड का है तो मुझे भी हो जाता है इसलिए मैं पहनती हूँ, क्योंकि इस तरह का कैप वाला जैकेट मेरे पास है नहीं और ठंड में मतलब मेरा जो स्वेटर है उससे तो ठंड बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये मैं रख ली हूँ, वो नया नया ख़रीदे ही थे तो इसको ये मैं पहन के देखी मेरे को हो गया तो इसको मैं ही रख ली। तो यहाँ पे अनुष्का जो है वो अपने सूज़ को साफ़ कर रही, बच्चे उठ गए हैं, वैसे मैं उधर गई थी ना तो बच्चे उठ गए। अनुष्का क्या कर रही हो? तो अनुष्का जो है वो अपना हर एक सामान नीट एंड क्लीन रखती है, चाहे वो मेरा कोई काम करे या ना करे, लेकिन वो अपना सारा काम को साफ़ सुथरा, अपने सारे सामान को साफ़ सुथरा रखती है। तो लाइट भी कटी हुई है और मोटर भी नहीं चलाया मैंने, मुझे लगा कि मैं बाद में चलाऊंगी क्योंकि काम हो रहा है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ठंड के कारण मैं तो निकली भी नहीं थी। और किचन का तो है, मेरी किचन की सबसे अच्छी बात यह है ना कि किचन का जब खिड़की खोलो ना तो एकदम डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पे। तो देख सकते हैं सूरज देवता आज हम पे मेहरबान है। और अभी बस जा रही हूँ, पहले झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी बच्चों के लिए, तब तो बच्चे ब्रश कर लेंगे। और बच्चों को मैं ठंड में अभी नहीं रोज़ नहला रही हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा है ना इस बार, मुझे तो लगा था ठंड इतना होगा नहीं इस बार, लेकिन इस बार तो ठंड भयानक वाली हो गई और बच्चे को रोज़ मैं नहीं नहाती हूँ। तो मिलते हैं व्लॉग में, बने रहिएगा इसी तरह कंटिन्यू फ्रेंड्स।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ, मतलब डेली का जो हमारा रास्ता है आने जाने का, वहाँ पे मैं थोड़ा झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अभी उतना साफ़ सफ़ाई मैं ना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मिस्त्री लेबर का आना जाना रहता है, वो लोग काम करते हैं, तो इसलिए गंदा जो है अभी होते रहेगा, इसलिए मैं धो नहीं रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा सीमेंट भी रखा हुआ है, तो फिर झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो गेट कल मिस्त्री लोग जाम करके गए, उसमें मैं पानी दे दे रही हूँ, और पानी देने के बाद अब मैं आ गई सीधा किचन में। किचन में जो भी जात के जूठे बर्तन थे उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अनुष्का और ईशु भी ब्रश कर चुके हैं, और किचन में मतलब कितना भी साफ़ कर लूँ ना, अगर जूठे बर्तन हो ना तो किचन बिल्कुल गंदा गंदा सा मुझे दिखता है, तो इसलिए मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। और बच्चों को मैंने नाश्ता बना के भी दे दिया है, वो लोग कर चुके हैं, और जो भी बचे हुए बर्तन हैं मतलब बनाए हैं और बच्चों का खाने का, वो सब मैं साफ़ करके सोची हूँ कि बर्तन धोकर उसके बाद मैं नहा कर पूजा पाठ कर लूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत टाइम हो जाता है, फिर काम भी देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने के बाद मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, तो पूजा करने के बाद मेरा मन हुआ कि आज मैं सत्तू पीऊँ, तो आज मैं अपने लिए सत्तू बना ली, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सत्तू नहीं पी थी, तो सत्तू बनाने के बाद मैंने उसे पिया। तो उसके बाद सब करने के बाद देखिए लंच का टाइम हो गया, तो बच्चों का डिमांड था कि दाल ढोकली खाऊंगा, तो क्योंकि बच्चों के अभी स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं ना, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर मैं दाल ढोकली बनाने लग गई, और रिशु भी मेरी हेल्प कर रहा, क्योंकि रिशु को मैं सिखाई थी एक दिन दाल ढोकली कैसे बनाते, मतलब उसका जो शेप है ना वो रिशु देने जानता है, बना लेता है, और अनुष्का जो है वो गुस्सा होकर चली गई रूम में, क्योंकि अनुष्का बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, उसे कुछ भी मना करने से ना वो बहुत जल्दी गुस्सा होती है, तो मैं उसे मना रही थी, बुला रही थी, लेकिन वो नहीं आ रही थी, वो बहुत गुस्सा करती है। तो देख सकते हैं दाल ढोकली हमारा बन चुका है और दोनों बच्चे खा रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छा पसंद आता है दाल ढोकली, मुझे भी बहुत पसंद है, गरम गरम बनाए हम लोग, और सोचे कि फिर अब हम लोग गरम गरम खा भी लेते हैं, ऐसे हम लोग इसे दाल पिट्ठी भी कहते हैं अपने अपने लैंग्वेज में, और बहुत सारे लोग अलग अलग भाषा में इनका अलग अलग नाम भी होता होगा, लेकिन हम लोग इसे दाल पिट्ठी भी कहते हैं, ज़्यादातर हम लोग इसे दाल पिट्ठी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं और अनुष्का रिशु हम लोग तीनों गर्मा गर्म खा रहे हैं, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना हुआ है गाइस। और गाइस आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या कभी ये दाल ढोकली खाए हो बनाकर, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं तो अक्सर दाल बच जाता है तो मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस, टेक केयर।